सीबीएसई ने जारी की सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस। जी हाँ दोस्तों, सीटेट के जितने भी छात्र हैं जिनका आगे की शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। फिर से काफी बड़ा संकट सीटेट के एग्जाम पर। चलिए जानते हैं कि अपडेट जारी की गई है। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सीटेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले। लोगों को पता है आप सभी तक सबसे बिल्कुल सटीक अपडेट सबसे पहले पहुँचाने का हम लोग काम रहता है। और अभी अभी आप सभी को बता दें सीटेट के जो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है, ठीक है, ये ऑफिशियली यहाँ पे बताई गई है कि आप इस बार नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। काफ़ी सारे छात्रों ने कमेंट भी किया सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो आपको बता दें अगर आपका पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि 21 तारीख को अगर आपका पेपर लगा है और आपका पेपर डिफिकल्ट आ गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग 80 भी अटेम्प्ट करते हैं 70 भी करते हैं और उतने ही आते हैं अगर आपको कोई भी आवश्यकता नहीं घबराने, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बढ़कर अंक मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी हार्ड शिफ्ट आएंगी उसमें आप लोगों को अधिकतम यहाँ पे 20 से 25 मार्क्स तक आपको जो है नॉर्मलाइजेशन के अंक देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना आता हो उतना ही करें, नॉर्मलाइजेशन में आप सभी का सब बराबर हो जाता है।